गोंदिया शहर में जब बारिश होती है तो गोंदिया शहर में जगह जगह पर पानी जमा होने से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सड़कों पर भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है, इससे बचना संभव नहीं है, नागरिकों को आना जाना पड़ता है। इसे देखते हुए गोंदिया नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक्शन मोड में आगे हैं और उन्होंने प्री मानसून गोंदिया शहर में नालों की सफाई पर जोर दिया है। इसी प्रकार गोंदिया शहर में बरसात के दिनों में भारी मात्रा में पानी भर जाने के कारण भूमिगत जल अवरुद्ध हो जाता था, इसलिए नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने स्थान पर विशेष ध्यान देते हुए संपूर्ण नालों की सफाई एवं गाद हटाने का कार्य पूरा किया है। इसी तरह गोंदिया शहर के कई नालों से गाद हटाने और सफाई का काम नगर परिषद द्वारा किया गया है। नगर परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि अब तक 70% काम पूरा हो चुका है। वही कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में 100% काम पूरा हो जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह भी आश्वासन दिया है कि इस वर्ष मानसून आने पर गोंदिया शहर में कहीं भी बाढ़ की स्थिति नहीं होगी और सड़कों पर पानी नहीं होगा। गोंदिया कर अब मानसून शुरू होने के बाद यह देखने जा रहे हैं कि चीफ मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए वादे पूरे हुए या नहीं। गोंदिया शहराचं जर आपण मागचं 2-4 वर्षातलं बघितलं पावसाळ्यातली स्थिती, तर मोठ्या प्रमाणात शहरात पाणी साचून बऱ्याच पूरस्थिती निर्माण होते। त्या दृष्टिकोनातून नगर परिषदेने यावर्षी मागच्या 1 महिन्यापासून मान्सूनपूर्व कामाची तयारी सुरू केलेली आहे। पोकलनद्वारे जे मोठे मोठे नाले आहेत ते पोकलनद्वारे पूर्ण त्यांची सफाई केली जात आहे आणि जे शहरातल्या छोट्या मोठ्या नाले आहेत त्यामध्ये मनुष्यबळामार्फत आम्ही ती सफाई करतोय। जवळपास 70-80% काम पूर्ण झालेलं आहे आणि येणाऱ्या 4-5 दिवसात 100% काम आमचं पूर्ण आम्ही करणार आहोत आणि जेणेकरून कोणत्याही प्रकारची पूरस्थिती शहरात निर्माण होणार नाही। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।